तो इधर क्या बनने जा रहा है अभी? अभी इधर पाव भाजी और पुलाव राइस बनाने को जा रहा है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? पहला पुलाव बनेगा, लेकिन अभी बॉइलिंग को ये पाइपिंग को डाल रहा है पाव भाजी का मटेरियल। ये इसमें सब है बाकी का आइटम, अभी खाली बॉइल करके लाया है, इधर खाली स्मैश करके डालने का जा रहा है पुलाव बनाने को। तो देखिए भैया, एक साथ पाव भाजी और पुलाव दोनों बनाएंगे। दोनों ही बनाएगा इधर अभी। ये तेल डाला, ये अभी 4 kg का राइस बना रहे हैं अपन। कितना? 4 kg का। देखिए अभी मैशिंग करेंगे ना। हम इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इधर टाइम ज्यादा लगता है और गैस भी ज्यादा लगता है। हाँ, कुकर में फटाफट होता है। ये क्या आ गया? ये पुलाव राइस है, प्याज डाला उसमें। देखिए पुलाव राइस का कांदा आ गया, इसको अभी फ्राई करके लेना है क्या? हाँ। चार किलो वेज पुलाव और पाव भाजी कितना बनेगा फिर? पाव भाजी कम से कम 70-80 प्लेट तो बनेगा। 70-80 प्लेट। आपका डेली का टाइम क्या होता है भैया यहाँ पे? 4 से 12 तक रात को। अच्छा, शाम के 4 से रात के 12 तक चलता है। हाँ। ये क्या आ गया? ये पानी डाला। पानी डाला। ये क्या डाला भैया? ये टिकट चटनी। लाल मिर्च का होता है क्या? हाँ। ये इसका कुछ नाप तोल होता है क्या? आपके अंदाज में डालते हैं ये? अंदाज में डालने को नाप नहीं रहता उसका, 100-150। आपको पता होता है कितना क्वांटिटी डालना चाहिए? हाँ। करे तो आपको उतना समझ में आ गया रहेगा ना। हाँ। ये क्या डाला अभी? हरा मिर्ची। हरा मिर्ची, ग्रीन चिल्ली। देखिए इसको भी फ्राई करेंगे ना? हाँ, सब फ्राई करके लेने का। ये क्या है? ये आलू डाला। अच्छा, इसको चॉप करके लाया है क्या आपने? हाँ। ये हरा मिर्ची, हरा शिमला, शिमला वाला शिमला मिर्च। ये गाजर। गाजर। देखिए भैया ने इतने आइटम घर से ही बना के लाए। वाटाना। अच्छा, इसमें भी ग्रीन वटाना आ जाता है। इतने सब आते ही है। देखिए वेज पुलाव के अंदर इतने आइटम डालते हैं भैया टीवी का। राइस को भी घर से ही बॉईल करके लाया क्या? सब सब बॉईल करके घर से लाया। चार 4:30 बजे नमक। नमक। देखिए ये आ गया सॉल्ट। फिर हर। ये क्या है? लाल मिर्ची। देखिए भैया का भी पुलाव पाव भाजी रेडी हो रहा है, लेकिन कस्टमर उसके पहले आ गए। देखिए क्या भाई, पुलाव भाजी 5-10 मिनट लगना पाव भाजी का। भैया इसके पहले क्या काम करते थे? मैं स्टार्ट से यही काम करता, पहला कुछ नहीं करता था। अच्छा, किधर सीखा है? क्या डायरेक्ट यहीं पे आके? हाँ, इधर से ही सीखा है। इधर से ही सीखा है। पहला हमारे चाचा करता था, अब चाचा बंद हो गए, मैं करता है। ओके। चाचा के पास सीखे, चाचा अभी स्टॉप हो गए, आप करना चालू? अभी मैंने चालू किया। ये क्या है अभी? ये शुगर रहता है, थोड़ा मीठा भी होना मांगता है ना। अच्छा, शुगर ऐड करते हैं। ये दोनों एक साथ बन जाएंगा 15-20 मिनट में? हाँ, फिर पुलाव भी 1 से 2 मिनट में बनेगा। अच्छा, पुलाव का अभी लगभग हो ही गया ना काम? हाँ, 99% हो गया। पाव भाजी को ज़्यादा टाइम लगता है? हाँ, ज़्यादा नहीं उतना टाइम लगता है, लेकिन एक बाद एक होता है ना। थोड़ा डालना पड़ता है, रेड होना मांगते हैं ना पाव भाजी। अच्छा,
पाव भाजी 5 मिनट पुलाव रेडी आहे। पाव भाजी के साथ क्या क्या देते हैं भैया? इसको दो पाव और भाजी आता है और कांदा लींबू। और पुलाव के साथ? पुलाव में सांभर आता है, कोशिंबीर आता है, रायता आता है, लींबू आता है। पाव भाजी का क्या प्राइस होता है? प्राइस ये कि यहाँ 50 है, फुल 60 है। तो दोनों पुलाव लो चाहे पाव भाजी लो। हाँ, राइस बॉइल किया हुआ डाल रहा है। देखिए बॉइल किया हुआ राइस, ये 4 kg है। 4 kg ये घर से येलो बन के आता है ना? हाँ, हल्दी डाल के बनाने का येलो। ये पुलाव मसाला डाला है एवरेस्ट का। एवरेस्ट का पुलाव मसाला। हाँ। अच्छा, इसको ऐसा ये करना होता है क्या? ये अभी मिक्स करने का प्लेट से। भैया का मिक्स करने का स्टाइल भी कितना अनोखा है। देखिए चमचे से उससे मिक्स होगा ही नहीं ना? चमचे से होता है लेकिन जल्दी नहीं होता है। जल्दी नहीं होता है। हाँ, सजाना भी देखिए कितना बढ़िया है, इतना मस्त डेकोरेट करते ही है। देखिए पूरा आईफिल टावर की जैसा ये पुलाव को लगा दिया अभी इन्होंने। ये क्या है भैया? ये आलू है। देखिए कितना ह्यूज क्वांटिटी में आलू भी आ गया। बटाटा कच्चा है क्या पक्का है वो भी समझता है ना? बराबर। हाँ, मशीन क्या बताएगा? मशीन कुछ नहीं, मशीन खाली उसका काम करेगा वो बारीक करने का। बराबर। पहला मशीन था हमारे पास, अभी बंद कर दिया मशीन हमने, तो हाथ ही अपना मशीन समझने का और उसी से करने का। अनीश वो खुर्ची बैठने को जरूर थे वो। काय बसल झाले जातो लगेच पाव भाजी बनवायला लागलोय। पुलाव रेडी आहे, पुलाव देऊ। पाव भाजी भी रेडी हो गया ना? हाँ हो गया। बस लगेगा क्या? हाँ, पुलाव उनको अभी चाहिए ना। हाँ, पाव भाजी को भी अभी डेकोरेट करने जा रहे भैया। ये अभी हैबिट हो गया रही है ना आपको ये हमें? हाँ, डेली डेली करते हुए। बोला क्या जो दादा, पाव भाजी है, पुलाव है साहेब? क्या पाव भाजी? हाँ, 50 है, फुल 60 है। ये लग गया अभी, इसका डेकोरेट हो गया? हो गया। कुछ डालना है क्या? हरा धनिया आएगा ऊपर से। ओके, हो गया। अभी दोपहर पुलाव का प्लेट लग रहा है ना? हाँ, ये पुलाव लग रहा है। आप भी फुल दी। पुलाव दियो का पाव भाजी पाहिजे? एक 2 मिनिट बनवायला लागतो पाव भाजी ना? 2 मिनिट टेबल लावायला होतो त्याला। या आला लसूण का पेस्ट डाला आहे अभी इधर। अच्छा, पाव भाजी के लिए और डालना पड़ता है क्या? हाँ, हर आइटम में डालना पड़ता है। हर आइटम में
अच्छा, इसमें भी ऊपर से मसाले आते हैं। हाँ अली पानी बोटल लेके लाते फिर इनको मार्शल का। समोर दो समोर कि आप सही मायने में पाव भाजी बन चुकी है, गाढ़ा हो गया ना पूरा मिक्स कर करके। इसको भी और पकाएंगे क्या भैया अच्छे से? हो गया ना। दस एक प्लेट का अभी ये बना दिया आपने ना पूरा? हाँ ये 15 प्लेट है। 15 प्लेट बन जाएगा देखिए, अभी सिर्फ प्लेट भरना है और देना है। हाँ हो गया, प्लेट खाली भरने का और देने का। देखिए पाव भाजी का प्लेट लग रहा है। अच्छा इसको पहले स्टोर करेंगे क्या? हाँ निकालना पड़ता है ना। अच्छा देखिए पतीले में पहले स्टोर करेंगे अभी इसको, ऊपर ब्रेड लगाना पड़ता है। अच्छा पाव भाजी का जो ब्रेड आता है उसको भी फ्राई करना होता है ना? हाँ ऐसा इधर स्टैंड है, भीड़ रहता है मार्केट में, कस्टमर रुकता नहीं है 5-10 मिनट बना रखे देने को। बराबर तो बना के रखना पड़ता है। क्राउड आने के बाद में फटाफट प्लेट बना के देने का? हाँ खाली भरने का देने का, क्योंकि कस्टमर का इधर गाड़ी छूटता है ना फटाफट। हाँ तो रुकता नहीं है, तो नहीं रुकेगा तो खाएगा कौन है हमारा। सही है। देखो नींबू भी कट के आ चुका है, कांदा आ चुका है कट कर, सबके लिए टाइम इज मनी है। ये बात सही बोली, हमारे लिए भी टाइम इज मनी है। होता है तुम्हारा एक दो ना पापा जी, ये क्या भैया? ये बटर रहता है, बटर अमूल बटर। देखिए अमूल का नहीं, इधर कोल्हापुर में कोल्हापुर का चलेगा। अच्छा कोल्हापुर का चलता है, लोग बाहर का ब्रांड का चलाने का, अपना खुद का ब्रांड। पाव भी ऐसे स्टोर करते हैं भैया नीचे। ये पाव भाजी का पाव अलग ही आता है ना? हाँ ये अलग मंगाना पड़ता है। दो पाव आएंगे ना पाव भाजी के? हाँ एक पाव भाजी को दो पाव। देख देख देखो सर, देखिए प्लेट लगना स्टार्ट हो गई भैया की। ताई काका आएगा तुम तो बोल है दोम फुल। कैसा लगा इसका टेस्ट आपको? एक नंबर। नाथ कराई था नहीं। और दीदी आपको बोला आपको कैसी लगी पाव भाजी? पाव भाजी अच्छी लगी भैया तो आपका ये पाव भाजी का और पुलाव का, वेज पुलाव का रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।